बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से रेस में है। जिला प्रशासन ने 10 किलोमीटर के एरिया में मुर्गा और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस कारण से इस धंधे से जुड़े लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। दुकानदारों से बातचीत की हमारे सहयोगी रानी ने। इंसान सड़क, पोल्ट्री फार्म में लटके ताले, परेशान व्यवसायी, ये है राजधानी रांची का नजारा। जी हाँ, कुछ टाइम पहले बर्ड फ्लू की वजह से राजधानी रांची के तमाम पोल्ट्री फार्म को जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन इससे अब क्या है व्यवसायी का हाल और कितने परेशान है वो, ये साफ तौर पे आप उनका चेहरा देखकर पढ़ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम कुछ व्यवसायी से बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी दिक्कतें हो रही है। और आपको बता दूँ कि इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये मुर्गी फोर्टी का यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये मंडी कहा जा सकता है, यहाँ पे तमाम मुर्गियाँ रोज चहकती थी, लेकिन आज के डेट पे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तीनों चारों सेटर है जो कि बंद पड़ा हुआ है। तो चलिए व्यवसायी से जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हो रही उनको और कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। करीबन एक सप्ताह हो गया है बंद हुए, कितना परेशान है आप? हो गए, परेशानी तो हो रही है, एक सप्ताह तो बंद हो गई है, प्लस की सभी हमारे स्टाफ लोगों को दिक्कत है। 35 से 40 स्टाफ है हमारे, डेली कमाने खाने वाले हैं ये लोग। कुछ है कोई मुर्गी ये कटिंग वाले हैं, ये लोग डेली कमाते खाते हैं, ये लोग को अलग परेशानी हो रही है। कोई ठेला में माल लेके जाता है, कोई स्कूटी में जाते हैं, वो लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासन से क्या मांगते हैं? प्रशासन से हमेशा देखिए, हर साल क्या है ना कि होता था ये बंद नहीं करवाते थे, हमेशा बंद नहीं करवाते थे, पर इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में निकला वो पता नहीं, फिर भी उनको इस कारण से बंद करा दिया गया। और 1 किलोमीटर का रेडियस बोले तो यहाँ का प्रशासन जो है पूरा 10 किलोमीटर के रेडियस में बंद करवा दिए। इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं हम लोगों के अलावा, रोज कमाने खाने वालों को हो रही है दिक्कत। पर्व त्यौहार का दिन है, पर्व आने वाला है, ऐसे में कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग रोज कमाते हैं, जो होता है बाल बच्चा पोसने के लिए वो सब भी अभी नहीं हो रहा, हम लोग खुद परेशान हैं। अभी सामने त्यौहार है तो कैसे करेंगे, बाल बच्चा का कपड़ा उपड़ा कैसे लेंगे, त्यौहार सभी का ना होता है। क्या करेंगे आगे आप, अगर नहीं खुलता है इसके आगे क्या करेंगे? कहाँ करेंगे, जैसा रहेगा वैसा। सरकार से मेरा यही मांग है कि जल्दी से अपना कुछ ही करे, अपना दिखाए। उसमें तो बर्ड फ्लू तो नहीं है, डेली हम लोग चिकन खा रहे थे, बर्ड फ्लू नहीं है, लेकिन वहाँ अर्जुन मुंडा का आवास में निकला 3-4 मुर्गी निकला होगा, तो भी क्या नाम है, रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता 10 दिन लगता है, 3-4 दिन में हम लोग को पूरा दुकान बंद करवा दिया। और भी कुछ लोग हैं जो कि इस शॉप में काम किया करते थे, 30 से 35 लगभग स्टाफ बताया जाता, हालांकि अभी हमारे साथ 3-4 व्यवसायी है, तो इनसे भी जानते हैं कि इनको कितना दिक्कत हो रहा है, जो रोज कमाते खाते हैं, ऐसे में इनको कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम लोग भी डेली कमाने खाने वाले हैं, परिवार वाले हैं, अब जब से दुकान बंद हुआ है बेरोजगार हो गए हैं, कुछ हो नहीं रहा। देखिए, मुर्गी मंडी कहा जाता है इस जगह को, बड़ा तालाब के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ से सीधे देख सकते हैं, एक लाइन से यहाँ पे करीबन 5 से 6 दुकानें हैं जो कि ताले लगे हुए हैं इस दुकानों में। करीबन एक सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया इस दुकानों में ताला लग चुका है, अब यह कब खुलेगा ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहे व्यवसायी, लगातार गुहार लगा रहे कि जल्द से जल्द बर्ड फ्लू का जो इलाज है वो निकाले और व्यवसायी को दोबारा से उनकी दुकानों को ओपन करने का परमिशन दिया जाए, ताकि ये भी अपनी जो जीवन शैली है वो आसानी से बिता सके, इन्हें भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई या किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। कैमरा देवाशीष के साथ रानी गुप्ता, न्यूज़ीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।